हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो थर्ड ओडीआई होने वाला है, उस ओडीआई की मैच प्रेडिक्शन और ये जो मुकाबला है खेला जाएगा दोस्तों 14 अगस्त की शाम को 7:30 बजे भारतीय समय अनुसार, और मुकाबला होगा ट्रिनिडैड में। तो आइए, जाने से पहले कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों में से कौन सी टीम ये मैच जीतेगी और किस टीम के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं, हम सबसे पहले नज़र डालेंगे दोनों टीमों की बल्लेबाजी के ऊपर और देखेंगे किस टीम की बल्लेबाजी कितनी स्ट्रांग है। तो सबसे पहले अगर मैं भारतीय टीम की बल्लेबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास द ग्रेट विराट कोहली, जिन्होंने पिछले मैच में शतक मारा, और रोहित शर्मा, शिखर धवन, केदार जाधव और श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज है। दोस्तों श्रेयस अय्यर ने भी कमाल की बल्लेबाजी की है, और वो जो प्लेयर है मुझे लगता है कि जो नंबर 4 की प्रॉब्लम आ रही है इंडिया की वो सॉल्व कर देंगे आने वाले समय में। श्रेयस अय्यर ही होंगे इंडिया के नंबर 4 बेहतरीन नंबर 4 खिलाड़ी। अब आइए वेस्ट इंडीज़ की बल्लेबाजी पर न डालते हैं, तो वेस्ट इंडीज़ की बल्लेबाजी पर न डालूँ मैं तो उनके पास द ग्रेट क्रिस गेल, एवन लुइस, निकोलस पूरन, कार्लोस ब्रैथवेट, जेसन होल्डर जैसे बल्लेबाज हैं दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ तो मुझे तो बल्लेबाजी में भारतीय टीम का ही पल्ला भारी लग रहा है। अब आइए दोनों टीमों की गेंदबाजी पर न डालते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं भारतीय टीम की गेंदबाजी पर न डालूँ तो उनके पास मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाज है दोस्तों। वहीं अगर मैं वेस्ट इंडीज़ की गेंदबाजी पर न डालूँ तो उनके पास रॉस्टन चेस, कीमो पॉल, केमार रोच, ओशन थॉमस, शेल्डन कॉटरेल जैसे गेंदबाज है दोस्तों। तो ये मेरा पर्सनल मानना है कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही भारतीय टीम का पल्ला भारी है। अब आइए मैच विनर की बात करते हैं, पर उससे पहले दोस्तों मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जो भी मेरा भाई सेशन टॉस की प्रेडिक्शन चाहता है और विकेट कॉल की प्रेडिक्शन चाहता है वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है, जहाँ पर आपको टॉस, विकेट कॉल और सेशन की प्रेडिक्शन मिल जाएगी। और मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में अगर आप क्रिकेट की न्यूज़ फॉलो करना चाहते हैं और अगर आप स्पोर्ट्स की न्यूज़ के खास तौर पर शौकीन हैं, तो एक मेरे दोस्त ने एक यूट्यूब चैनल बनाया है स्पोर्टी डी पी, जिनका नाम है। वो बेहतरीन स्पोर्ट्स की न्यूज़ देते हैं, बहुत ही रोचक घटनाएँ बताएँगे आपको जो पूरी दुनिया में खेल में होती हैं। और जो सबसे बड़ी बात है उनकी वॉइस की, दोस्तों आप दीवाने हो जाएंगे। तो मैं उनके भी यूट्यूब चैनल का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज़ उन्हें सब्सक्राइब करें और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें। और एक बात तो गारंटी है दोस्तों, आप उनकी वॉइस सुनिएगा, आप उनकी अगर वॉइस के दीवाने ना हो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अब आइए मैच विनर की बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से ये मैच है ये भारतीय टीम जीतेगी और 2-0 से सीरीज़ अपने नाम करेगी। अगर आप लोगों को लगता है ये मैच भारतीय टीम नहीं, इंडिया की टीम नहीं, वेस्ट इंडीज़ की टीम ये मैच जीतेगी, तो आप वेस्ट इंडीज़ के साथ जा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी पिछली 6 मैचों में से 5 मैच की प्रेडिक्शन सही हुई है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग फ़ायदे में होंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी मैच प्रेडिक्शन की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा जो इन दी एंड आपको मैच प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगी। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।